विगत दिनों से पटना के विभिन्न क्षेत्रों में वाहन लूट की वारदात बढ़ गई थी। इसी क्रम में वाहन लूट मामले में पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना एसएसपी गरिमा मलिक ने डीएसपी सचिवालय, डीएसपी कोतवाली समेत विभिन्न थानाध्यक्ष की एक टीम गठित कर अपराधियों का धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों में उसका मास्टरमाइंड समेत 5 अपराधी भी शामिल हैं। विगत लगभग 2 से 3 महीने में पटना में वाहन लूट की घटनाएं हुई थी, जिसके मद्देनज़र एक हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाई हुई थी, जिसमें शहरी क्षेत्र के डीएसपीज जो हैं वो इन्वॉल्व थे, डीएसपी सचिवालय, लॉ एंड ऑर्डर और टाउन, ये तीनों थे। साथ में संबंधित थाना प्रभारी थे, मुख्यतः एसएचओ फुलवारी शरीफ, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ शास्त्री नगर, एसएचओ गांधी मैदान और कई सारे जो हैं अन्य एसएचओज जो हैं इसमें साथ में लगे हुए थे इस टीम में। साथ में अन्य हमारी जो स्पेशल टीम्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व, कई जो है वो दिनों तक इसमें साक्ष्य जो है एकत्रीकरण और आसूचना संकलन के बाद पंद्रह सोलह की रात्रि में एक वाहन जो है वो हम लोगों को, हमारी जो टीम कॉन्स्टिट्यूटेड थी वो भागने की स्थिति में जो है बरामद हुआ, जिसमें साथ में जो है 2 एक्यूज्ड और हथियार बरामद हुए। उसके बाद इनके कन्फेशन, इनके स्वीकारोक्ति के परिणाम स्वरूप अलग अलग जगह पर जिला में और जिला के बाहर रेड्स हुई हैं, जिसमें लूट करके ले जाए गए 3 और वाहन जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो कुल अभी तक इस पूरे प्रकरण में 5 अभियुक्त जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 लूटे गए वाहन बरामद हुए हैं और 2 हथियार, जिसमें एक कार्बाइन और एक पिस्टल, साथ में 18 कारतूस जो हैं वो बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तारी के साथ लगभग 1 दर्जन कांड जो जिला में रजिस्टर हुए थे वाहन लूट के, उनका उद्भेदन हुआ है और जो पकड़ाए गए अभियुक्त हैं उनके द्वारा इन सभी घटनाओं को स्वीकार किया है। मैम, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से? अलग अलग जगह पर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि रेड्स हुई हैं जिला के अंदर भी और जिला के बाहर भी, जहाँ से इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अभी भी रेड जारी हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि आगे आने वाले दिन में गिरफ्तारियाँ और वाहन जो लूटे गए हैं उनकी रिकवरियाँ जो हैं, रिकवरीज जो हैं वो बढ़ेंगी। देखिए, कहाँ से आया वो जो है अनुसंधान में है, लेकिन कार्बाइन जो है, दोनों हथियार जो हैं, पिस्टल और कार्बाइन, दोनों इन घटनाओं को अंजाम देने में अलग अलग समय पर यूज हुए हैं। कुछ जो घटनाएं हैं, कुछ कांड जो है उसमें पिस्टल का यूज हुआ है और कुछ घटनाओं में कार्बाइन का इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों जो है वो हथियार जो सभी कांडों में इस्तेमाल हुए थे कारित करने में, वो बरामद हो गए हैं। कार्बाइन स्पेसिफिकली जो है वो इन लोगों की स्वीकारोक्ति के बाद पिपरा थाना अंतर्गत जो है वहां से मिली है, जो जिनके पोजेशन से मिली है फिरोज के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अनुसंधान इसमें या हम लोगों की जो आगे की कार्रवाई है, छापामारी जो है वो खत्म नहीं हुई है। अभी 2 गाड़ियां जो है वो बाहर जिला से हम लोग की बरामद हुई है और हम लोग की टीम्स जो है वो निकली हुई है। ये डेफिनेटली जो है यहाँ से निकाल करके गाड़ियों को अन्य जिलों में और इवन अन्य राज्यों में जो है उनको आगे खपाते थे, उनको बेचते थे, जिसमें जो है कई लेवल्स पे जो है लाइनर्स और सेटर्स जो है वो लगे हुए थे। बहुत बड़ा गिरोह।